और आई एम वेरी एक्साइटेड देखने के लिए कि मूवी की स्टोरी एक्चुअली में क्या और मेरे लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि मेरा मेगा स्टार सलमान खान का जो कैमियो है अभी साउथ की मूवीज ज्यादा चल रही है ना तेरा मैटर ना मेरा मैटर तो साउथ का फ्लेवर तो ऑब्वियसली इसमें रहेगा ही रहेगा। सो फाइनली स्टारिंग बाय सलमान खान एंड हमारे चिरंजीवी गारू की गॉडफादर का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो चुका है, कैसा लगा? आपने देखा ट्रेलर, आपको कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर के बारे में क्या ख्याल है आपका? आई रियली लाइक द ट्रेलर, मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और आई एम वेरी एक्साइटेड देखने के लिए कि मूवी की स्टोरी एक्चुअली में क्या है। मतलब पॉलिटिशियंस की है, पुलिस वाले हैं बहुत सारे, ये सब तो दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में क्या है। ट्रेलर की मुझे एक बात एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने ज़्यादा स्टोरी रिवील नहीं की ट्रेलर में एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड विथ नयनतारा। नयनतारा का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे KGF में रवीना टंडन का था वैसी याद दिला रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है। उसके अलावा चिरंजीवी भी जो है वो बिल्कुल जो है अपने पूरे फॉर्म में है और साथ में मेगा स्टार सलमान खान का जो कैमियो है, अब वो कैमियो है या एक्सटेंडेड कैमियो है वो मूवी देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, उनका एक सोलो पोस्टर भी आया है सलमान खान का, तो आई थिंक उनका रोल थोड़ा अच्छा होगा, 15-20 मिनट का रोल होगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गॉडफादर। क्या बात है, जिस तरह से सलमान खान का रोल दिखाई दे रहा है एज अ कैमियो उन्होंने या फिर जो रोल टाइप बोलते हैं इसके पहले अंतिम में भी मिला था बट इतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाई मूवी, क्या लगता है इस मूवी का एक प्रेडिक्शन होने के नाते आपको क्या लगता है मूवी चलेगी या नहीं चलेगी आपका? सी राइट नाउ अभी साउथ की मूवीज़ ज़्यादा चल रही है तो उनका जो एक फिल्म मेकिंग स्टाइल होता है वो जो है साउथ का फ्लेवर तो ऑब्वियसली इसमें रहेगा ही रहेगा। तो आई होप कि मूवी चल जाए और नॉर्थ में चलाने के लिए कि मूवी नॉर्थ में भी चले इसलिए उन्होंने सलमान खान के प्रेजेंस को लिया है, तो आई एम श्योर कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। नाउ इट विल बी टोटली डिपेंड कि कॉन्टेंट फिल्म का कैसा है और स्टोरी कैसी है, अगर स्टोरी में दमदार रही देन इट विल बी अ विनर एट द बॉक्स ऑफिस। 4 ट्रेलर देखा एक डेढ़ घंटे पहले रिलीज हुआ, उससे पहले ना मैं 2-3 दिन पहले तेलुगु में देखा। क्या बात है, ऑब्वियसली तेलुगु में मेगास्टार है तो ट्रेलर चले गई और दूसरा मेगास्टार आया बॉलीवुड का, क्या बात है। दोनों का साथ में देखा ना मेरे को मजा आ गया ट्रेलर से। उसमें एक सलमान खान एक डायलॉग बोलता है ना तेरा मैटर ना मेरा मैटर फैमिली मैटर है, उससे ये पता चलता है कि वो कैमियो रोल है, भले सलमान भाई का भाईजान का कैमियो रोल है, कैमियो बोलते हैं ना उसको, इम्पोर्टेंस दिया उनको सलमान खान को। हाँ, इतने इजीली नहीं है कि तेलुगु में उनको कैमियो मिलना मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे में भी है रजनीकांत सर है, कमल हसन साहब है, इतने लग कर छोड़ के इनको मिला बोला तो कुछ तो बात है। क्या बात है, हाँ। जिस तरीके से ट्रेलर दिखाई दे रहा है एक्शन मूवी मास मसाला लग रहा है और यहाँ तक कि ये भी बात चल रही है कि लूसीफर की ही रिमेक है, तो अगर आपने लूसीफर देखा है तो कितना? अनफॉर्चुनेटली मैंने ना लूसीफर नहीं देखा और मेरे लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि मेरा मेगा स्टार मेरा पावर स्टार का बड़ा भाई अनफॉर्चुनेटली अच्छा वो नहीं देगा, मेरे ये मानना है। अभी फर्स्ट स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस इन तेलुगु देखूंगा, बाद में मैं गेटी में देखूंगा और मैं सुना है कि लूसीफर बहुत ही अच्छा चला था। क्या बात है, भगवान करे ये भी चले। क्या लगता है जिस तरीके से जो गोलियां वगैरह फायरिंग वगैरह सीक्वेंस दिखाए गए कितने लोगों को पसंद आएंगे? मैंने लास्ट में एक ट्रेलर में एक सीन देखा, दोनों भाई सलमान खान का एक बेस्ट सीन देखा, चाकू से काटकर मुंह में रखता है। क्या बात है, चलो साउथ का स्टाइल है वो और भाई ने कर दिया। क्या बात है भाई, वो भी स्वैग में, पूरा स्वैग में और पीछे से मेरा भाई आता है मेगा स्टार, ये फाड़ दिया पूरा ट्रेलर। 5 तारीख को रिलीज, ये भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने आगे पीछे नहीं किया, लाइगर के माफी फ्राइडे को लाइगर दिए थे उससे पहले हमारे में रिलीज हो गया था, तो ये ठीक है इस बार दोनों साथ में लैंग्वेज में आ रहे हैं पैन इंडिया में। लास्ट सवाल देखा, 5 में से कितने स्टार? 5 में से 4.5। क्या बात, हाँ, थैंक यू वेरी मच।